हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जुड़े रहिए लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आज का जो वीडियो है वो गैस गीजर के बारे में है। आप गैस गीजर अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके बारे में सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि गैस गीजर क्या वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, गैस गीजर हमारे लिए बेस्ट है या नहीं। तो आज हम इन सारी सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। गैस गीजर सच में अच्छा है या नहीं, अगर अच्छा है तो क्या इसके अच्छी फीचर्स हैं, तो इस वीडियो में आज हम सब कुछ बताएंगे आपको। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर गीजर को बाय किया है। तो ये जो गीजर आप देख रहे हैं ना, ये कैन स्टार का है और सबसे बेस्ट ब्रांड लगता है मुझे ये। तो कैन स्टार का गीजर है और इसकी जो प्राइस है ये मुझे 4200 में मिली है, 6 लीटर की है। और इसके डब्बे पे सारी चीज़ें दिया हुआ होता है, ये देखिए। तो 2 ईयर्स वारंटी के साथ मुझे मिल रहा है ये। और एक बजाज का भी अच्छा होता है, बट उससे अच्छा मुझे ये लगा। तो मैंने कैन स्टार का जो गीजर है वो बाय किया है और मैं घर पर लेके इसको आ गई हूँ। आप देख सकते हैं, ये घर का वीडियो है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए कि गैस गीजर जब भी आप लेते हैं तो ब्रांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ना जब भी आप अच्छे ब्रांड की चीज़ें लेते हैं ना तो वो काफ़ी अच्छा टाइम तक चलता है। और उसकी जो फीचर्स है ये सारी चेक करके लेना चाहिए चीज़ें। तो मुझे तो कैन स्टार का अच्छा लगा। वैसे आपको जो भी ब्रांड ट्रस्टेबल लगता है आप उस ब्रांड का ले सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड आते हैं मार्केट में। तो मैंने गीजर को घर ले आया है और भैया भी इंस्टॉल करने के लिए आ गए हैं हमारे साथ। तो आप देख सकते हैं, भैया वॉल पर चेक कर रहे हैं कि ये हमारा किस तरीके से फिट होगा, मेजरमेंट ले रहे हैं। तो मार्क कर लिया भैया ने और मैंने गीजर को नीचे रख दिया है। तो देखिए बाकी का आगे का प्रोसेस कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो में पहले इंस्टॉल कैसे किया जा रहा है गीजर को मैं ये दिखाने वाली हूँ आपको। उसके बाद वीडियो में मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊँगी। तो वीडियो पर बने रहिए और स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है गैस गीजर के बारे में, अगर आप गैस गीजर लगाना चाहते हैं तो। तो यहाँ पर सबसे पहले भैया ने ड्रिल मशीन से ड्रिल किया है वॉल पे, उसके बाद नट वगैरह डाल के उसको टाइट कर रहे हैं। बहुत आसान है गैस गीजर को इंस्टॉल करने में, भैया ने ऐसा कहा है। तो यहाँ पर जो है ना, आप जो पाइप देख रहे हैं ये गैस की कनेक्टिविटी के लिए है और गैस से गीजर तक की कनेक्टिविटी होगी इससे। तो बाकी के सामान भैया लाए हुए हैं जिससे कि ये इंस्टॉल हो जाए। और जो भी गीजर के साथ सामान चाहिए ना, तो वो सामान आपको लेना पड़ेगा दुकान पे। जब आप गीजर को बाय करेंगे ना तो उसी टाइम पे आपको इसमें लगने वाली सारी चीज़ें दुकान वाले देते हैं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होती है। तो मैंने एक्स्ट्रा पे किया है, लगभग मेरा इसमें टोटल खर्चा आया है 4800। इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से पे किया है मैंने 300। तो मुझे टोटल खर्चा इसमें आ गया है 5100-5200 के आसपास, यानी 5200। तो टोटल 5200 में मेरा जो गैस गीजर है वो इंस्टॉल हो चुका है। वैसे इसकी MRP जो है वो 5600 है ओनली गीजर की, बट मैंने इसको डिस्काउंट पे बाय किया है और डिस्काउंट पे मुझे 4200 का मिल गया है। और अभी का जो रेट है, अभी थोड़ी सी रेट इसकी बढ़ चुकी है, 4500 हो चुकी है, बट मैंने पहले लिया था, एक महीने पहले लिया था, इसलिए मुझे कम पड़ा है थोड़ा सा। ये लोग सब गर्म गर्म पानी नहाने वाले बंदे हैं सब लोग। सबसे ज्यादा गर्म पानी का यूज ये महाराज जी करते हैं। अच्छा, यही ना, मैं नहीं नहाती गर्म पानी से। मैं तो नाइट में भी नहाई थी 12 बजे, प्योर चिल्ड। ये आपके लिए, ये आपके लिए मॉर्निंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट कौन जाता है? मॉर्निंग शिफ्ट कौन जाता है? मैं कौन से, एक हफ्ते से नहा रहा हूँ। आप जाते हैं मॉर्निंग? एक हफ्ते से नहीं नहा रहे थे आप? देखे भैया, पता लग गया ना, गर्म पानी नहीं मिल रहा था, एक हफ्ते से नहीं नहा रहे थे। कौन हंस रहे? ठंडा पानी से नहाया है, 2 दिन नहीं नहाया। इनपुट किसमें गया भैया? इनपुट इसमें जाएगा। किसने? अच्छा, उसमें जाएगा इनपुट, ठीक है। और बगल वाले में, उधर वाले में आउटपुट जाएगा ना? हाँ, उसमें आउटपुट। पानी खुला रहेगा। ये जो वीडियो है ना भैया, ये वीडियो जाएगी यूट्यूब पे। हाँ, तो आपको बहुत सारे बंदे देखेंगे आपने कैसे कनेक्टिविटी किया है और कैसे इंस्टॉल किया है इसको। आप फेमस हो जाएंगे, है ना? जो आदमी नहीं जानता है ना अभी गैस गीजर क्या होता है,
तो वो ये वीडियो देख सकते हैं, उनको पता लग जाएगा। आपका नाम क्या हुआ भैया? रवि। अच्छा, तो गाइज़ यहाँ पर देखिए भैया ने कनेक्टिविटी कर दी है और यहाँ पर मेरा टैप जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये नल से पानी आना शुरू हो गया है, ये देखिए। तो अभी नल का पानी जो है ना वो ठंडी ठंडी ही आ रही है। तो भैया को मैं पूछ लेती हूँ, भैया ठंडा पानी क्यों आ रहा है? भैया ठंडा पानी आ रहा है, गर्म पानी तो आ नहीं रहा है। तो भैया चेक कर रहे हैं, ये देखिए। आपने क्या किया वहाँ पे? वो बटन चला नहीं ना ये। अच्छा, और नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स भैया ने इनपुट लगा दिया है, आउटपुट इनपुट दोनों की कनेक्टिविटी कर रहे हैं भैया। और मैं आपको दिखा रही हूँ ये बारीकी से कैसे इंस्टॉल कर रहे हैं भैया। एक एक चीज़ मैं आपको क्लैरिटी के साथ दिखा रही हूँ। वीडियो बिल्कुल भी मैंने रोक रोक के नहीं बनाया है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है। तो फ्रेंड्स भैया ने गीजर तो इंस्टॉल कर दिया है, बट अभी तक बटन जो है ना स्विच ऑन नहीं हुआ है। तो भैया फिर से इसको चेक कर रहे हैं क्यों नहीं ऑन हुआ। तो आई थिंक कि ये कनेक्टिविटी इन्होंने जो किया है वो रॉन्ग है, तो फिर से चेक कर रहे हैं और वापस से इसको सही कर रहे हैं। तो देखिए, बने रहिए वीडियो पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पाइप उल्टा लग जाने की वजह से हमारा गीजर जो है वो ऑन नहीं हो पाया, तो कनेक्टिविटी ही उल्टी हो गई थी। यानी कि इनपुट आउटपुट में लग गया था और आउटपुट इनपुट में लग गया था, जिस वजह से हमारा गीजर ऑन नहीं हो पाया। तो भैया उसको फिर से ओपन करके फिर से उसको अच्छे से कनेक्टिविटी कर रहे हैं। अब आ रहा है? हाँ, ये बात कर लिया। अच्छा, पहले ठीक है ना? अब तो हाँ, ठीक है। लाइट तो जल गई वहाँ पे। हाँ। अब चल रहा है? हाँ। यहाँ से ऑन किया? यही तो पानी टेस्ट करके देखते हैं। पानी अभी गैस नहीं जल रही ना। अच्छा अच्छा, गैस लगेगी तब आई है ना गरम। कनेक्शन हो गया यहाँ पर? कनेक्शन हो गया, फिट फॉर है। अच्छा, जब भी नल खोलेंगे तो? हाँ हाँ, नल खोलोगे जब भी तब गर्म पानी आएगा यहाँ पर। अच्छा भैया, नल खोलेंगे तो वो बटन ऑन ऑफ होगा? हाँ, वो ऑन ऑफ होगा। दो बार होगा तब समझिए गर्म पानी आएगा। अच्छा अच्छा, जितनी बार नल खुलेगी उतनी बार आवाज आएगी। तो फ्रेंड्स गीजर की कनेक्टिविटी हो चुकी है, जो इंस्टॉलेशन होता है ना वो गीजर की अच्छे से हो चुकी है। और अब जो आप भैया कर रहे हैं वो पाइप की कनेक्टिविटी कर रहे हैं। गीजर से गैस की कनेक्टिविटी पाइप के थ्रू जो होती है वो वाली कनेक्टिविटी भैया ने स्टार्ट किया है। और ये वॉल से ऐसे होती है कनेक्टिविटी, बट मैंने वॉल पे होल नहीं करवाया है। वॉल पे इसलिए नहीं करवाया हमने क्योंकि ये वॉल जो है ना वो थोड़ा सा मतलब कमज़ोर है, इस वजह से बार बार वॉल पे छेद करवाना सही नहीं है। अगर ऊपर से कनेक्टिविटी हो जा रही है तो हम ऊपर से ही करवा ले रहे हैं, इस वजह से हमने जाल में ही छेद करवा दिया है। और आप देख सकते हैं ये हमारा सिलेंडर है, मैंने बड़ी वाली सिलेंडर यूज़ किया है यहाँ पे। आप छोटी भी यूज़ कर सकते हैं, बट बड़ी वाली सिलेंडर जो होती है ना वो एक सीजन पूरा निकाल देगा आपको, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली सिलेंडर ही यूज़ किया है। ये देखिए, और यहाँ से कनेक्टिविटी गई है पाइप के अंदर तक। तो ये देखिए, आपको पूरा वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जो गैस से गैस की पाइप की कनेक्टिविटी है वो यहाँ से ऐड हो चुका है। और अब हमारा जो नल का पानी है वो बिल्कुल गर्म आ रहा है, गैस को ऑन कर दिया है हमने। ये देखिए, यहाँ से लाइट भी जलेगी, वो रेड वाली जो लाइट है ना वहाँ से वो जलना स्टार्ट हो जाएगा जब भी आप गैस को ऑन करेंगे। तो जस्ट लाइक जब हम खाना बनाते हैं ना तो गैस को ऑन करते हैं तो हमारा गैस ऑन हो जाता है और हम खाना बना सकते हैं, उसी तरीके से इसमें भी है। गैस ऑन करेंगे तो आपका जो गीजर में जो एक लाइट है वो लाइट जलेगी और आपका नल से पानी गर्म पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो गीजर की कनेक्टिविटी है वो फाइनली हो चुकी है, गैस की और गीजर की दोनों की। और यहाँ पर गर्म पानी अच्छे से आने स्टार्ट हो गई है। और आप जो ऊपर पे नोब देख रहे हैं ना, ये गीजर की जितनी भी नोब है इसकी फंक्शन मैं आपको बता देती हूँ ये कैसे वर्क करता है।
तो इंस्टॉलेशन की वीडियो तो आपको मैंने दिखा दी है गैस गीजर की। और अब आप ये समझ लीजिए कि ये जो ऊपर पे इसकी सारी नोब है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो गैस गीजर में जितने भी नोब हैं उसके मैं फंक्शंस आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि नीचे की लेफ़्ट वाली जो नोब है वो मैक्सिमम और मिनिमम पर है। तो लेफ़्ट साइड वाला मिनिमम है और राइट साइड वाला मैक्सिमम है। तो मैंने अभी मिनिमम पे किया हुआ है, ये देखिए मार्क भी दिया हुआ है मिनिमम पर आप करेंगे और मैक्सिमम पे करेंगे। तो ये देखिए भैया ने मैक्सिमम पे किया है अभी, और मैक्सिमम पे करने के बाद पानी बहुत ज़्यादा गर्म आएगा जिससे कि आप नहा नहीं पाएंगे इतने गर्म पानी से। मिनिमम पे करने के बाद आपका पानी एवरेज बहुत अच्छा गर्म आ जाता है जिसमें कि आप मिक्स करके पानी आप नहा सकते हैं। तो मैंने मिनिमम पे ही रखा है और मुझे बहुत ज़्यादा उबला हुआ पानी नहीं चाहिए। मिनिमम पे रहेगा तो आप गर्म पानी में थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके आराम से नहा सकते हैं। तो ये गीजर की जो कनेक्टिविटी है ये मिनिमम पे ही होनी चाहिए, तो मैंने मिनिमम पे रखा है। और अब आप देख लीजिए ये जो राइट साइड वाली नोब है इसका वर्क है, ये वाटर कंट्रोल करता है। तो इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम है, तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम पे रखा है। और मैक्सिमम पे आपकी जो पानी है ना वो रुक रुक के थोड़ी सी मतलब कम आएगी, बट गर्म बिल्कुल गर्म पानी आएगी। और अगर आप मैक्सिमम पे कर देंगे तो पानी बहुत तेज़ आएगी लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं आएगी। इस वजह से यहाँ पर मैंने मैक्सिमम पे करके रखा है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा गर्म पानी चाहिए। बेशक पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम कम आए वो चलेगा, बट गर्म अच्छी होनी चाहिए ताकि हम मिक्स करके उसको नहा सकें। तो इसलिए यहाँ पर मैंने नोब को मैक्सिमम पे रखवाया है। और जो सबसे ऊपर वाली नोब है उसका वर्क है विंटर और समर का है वो। अगर आप विंटर पे रखते हैं तो पानी की जो पानी जो है ना वो बहुत गर्म आता है, और अगर आप समर पर रखते हैं तो पानी की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल कोल्ड हो जाएगी, यानी कि ठंडी ठंडी आएगी पानी। इस वजह से इसको आप विंटर पर ही रहने दीजिए। तो तीनों नोब की जो फंक्शन है वो मैंने आपको समझा दिया है। हाँ? और अब भैया आपको बताएंगे, एक बार और सुन लीजिए। हां तीनों फ्लेवर डाल लें और स्लो पर कर देंगे। हाँ तो कम गर्म आएगा पानी। अच्छा अच्छा ये काम है उसका। हाँ, कम आ रहा है। ठीक है, तेज नहीं बनाएगा। विंटर पे ही रहने दीजिए इसका। ये पानी लो करेंगे तो तेज होगा और फुल करेंगे तो कम गर्म होगा। कम गर्म होगा। हां और लो करेंगे तो पानी कम गर्म होगा क्योंकि वो ज्यादा देर तक रुक के आएगा। ठीक है। अच्छा हां और उधर का ठीक है, उधर का तो फर्म समझ गया। उधर का वो गैस कम ज्यादा का। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ समझ गया। आप सेट कर दीजिए बस। हाँ क्या है बस इतने इतने फ्लेवर रखते हैं। हाँ जल रहा है आपका। हाँ हाँ जल रहा है। अब पानी बिल्कुल गर्म गर्म आ रहा है, है ना। चलो जो कि लो पे है फिर भी पानी अच्छा गर्म आ रहा है ना। हाँ भैया लो पे है ना वो। हाँ, मिनिमम पे है फिर भी पानी अच्छा गर्म। हाँ, आ रहा है। अच्छा आ रहा है क्योंकि पानी इस समय ज्यादा ठंडा नहीं, ताजा पानी है। हाँ हाँ इसीलिए सुबह। हाँ चेक कर लो, तुम भी आओ नल खोल के इसको भी चेक करवा दीजिए। बस यूज करने के बाद गैस ऑफ करना डालोगे। अच्छा यूज करने के बाद गैस ऑफ करना पड़ेगा ना। और यूज करने से पहले गैस ऑन करो। गैस ऑन करना पड़ेगा। गैस ऑन सेफ्टी होती लिखा होता सिलेंडर पे। यूज करने के बाद अंदर में गैस चल रहा है। गैस अब जैसे पानी आपको नहाना नहीं है किसी को तो गैस ऑफ सिलेंडर ऑफ कर दो। ऑफ कर देना। हाँ बस। और जब पानी चलेगा कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं, जब तो गर्म पानी आया, गर्म पानी लाना तो गैस ऑन छोड़ करनी होगी। अच्छा मतलब जैसे की किचन का होता है की यूज लिखा हुआ, अगर आप यूज नहीं कर दे तो उसे ऑफ कर दीजिए, लेकिन एक्चुअली कोई करता नहीं है। रेगुलेटर से ऑफ कर दीजिए और अगर यूज किए तो रेगुलेटर से ऑन करिए। हाँ। है ना, यही भैया बता रहे। जैसे किचन में करते हैं, खाना बनाना हो तो गैस ऑन करिए, नहीं बनाना हो तो अंदर रेगुलेटर से ऑफ कर दीजिए। है ना भैया। रेगुलेटर से ऑफ कर। हाँ ये ज्यादा सही रहेगा क्योंकि वो सेफ्टी पर्पस से। हाँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चा है, मैग्नेट होती है इसके अंदर, वो चिपकी भी रह जाती है। हाँ। और हमने पानी बंद कर दिया, हम निकल के बाहर इसमें आग लग जाती है। बापरे। नहीं नहीं नहीं, रेगुलेटर से ऑफ करना है, बस इस बात का ध्यान रखना है ना। और सबसे बड़ी बात है बच्चा हमेशा नल खोल देगा अगर गैस ऑन रहा, रेगुलेटर से हमने बंद नहीं किया। बच्चे वाली बात आती है तो फिर आप ये स्विच आराम से ऑफ कर दो। अब कोई भी स्विच खोलो ये नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। अच्छा ये ऑन ऑफ करने का भी सिस्टम है ना। हाँ ये ऑफ हो गया। अब इसको हम अगर ऑफ कर देते तो आप नल चलाते तो ये ऑन नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऑन करेंगे तब ये नल से गर्म पानी आएगा ना। हाँ, आपको देखा जाए तो ये डीजल से बेस्ट है। हाँ डीजल से बेस्ट। हाँ फंक्शन अच्छा है। से बेस्ट है। फंक्शन इलेक्ट्रिक वाले डीजल से बेस्ट है क्योंकि आप तुरंत कहीं जाना छोटा पता चली चला लेता।
नहाना ऑन कर देना वहाँ से, उसके बाद बंद कर देना। हम रेगुलेटर से ही बंद करेंगे वहाँ से, गैस है ना, छोटा छोटा बच्चा है, गैस ऑन कर दिया था। ये ऑन है ठीक है, गर्म पानी हो गया, अब आपने वहाँ पे गैस ऑफ कर रखी है। अच्छा फिर सिर्फ लाइट जलेगी, बस लाइट जलेगी, गैस नहीं जलेगी, गैस नहीं जलेगी और पानी भी गर्म नहीं आएगा, पानी गर्म नहीं आएगा। समझ गए भैया, समझ गए हम सारा कुछ, है ना। थैंक यू सो मच भैया, है ना। गैस ऑफ है अभी, ऑफ है। अच्छा अब इसको ऑन करेंगे और फिर अंदर जाके उसे ऑन करोगे तो चलाओगे तो सही। अच्छा वो चल जाएगा वहाँ से, ऑन है ना ऊपर से। हाँ ऊपर से ठंडे के और करने की जरूरत नहीं है। हाँ बाहर से उसी को सिलेंडर ऑफ जरूरी है, उसी को बंद कर देंगे, है ना। तो वही है बच्चे के लिए। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू। थोड़ा सा बोल लेते हैं और कुछ नहीं। क्रिसु जेब ढीले कीजिए अपना, तब से जेब ढीला ही कर रहा हूँ। मैंने दिया है पैसा, काहे का पैसा, मैंने पैसा दिया है, झूठ मत बोलिए। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये वीडियो इंस्टॉलेशन के 15 दिन के बाद मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, तो इसका जो रिव्यू है ना वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि 15 दिन में मैंने नोट किया है ये इलेक्ट्रिक वाले गीजर से काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आपको ऑन द स्पॉट गर्म पानी चाहिए तो ये इंस्टेंट गर्म पानी आपको देता है, बट इलेक्ट्रिकल वाले से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो आपको कम से कम 10 मिनट वेट करवाता है, उसके बाद ही आपको गर्म पानी देगा। और दूसरा नंबर क्या है कि उसमें अमाउंट भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, और ये अमाउंट के मैटर भी थोड़ा कम है, इसमें कम पैसे में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हम देखें तो गैस गीजर जो है वो एक बड़े सिलेंडर को अगर आप लगाते हैं इसमें तो आपका एक सीजन पार कर देता है। ये हमें हमने तो अभी यूज़ ही करना स्टार्ट किया है, ऐसा कहा गया है कि ये एक सिलेंडर जो है ना पूरा आपको सीजन निकाल देगा, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और इलेक्ट्रिकल गीजर में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बिजली भी आता है और पैसे ज़्यादा खर्चे होते हैं, तो इस मैटर पर देखा जाए तो ये गैस गीजर ज़्यादा बेस्ट है। तो मुझे ओवरऑल गैस गीजर काफ़ी अच्छा लगा, अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप भी इंस्टॉल करवाइए, यूज़ कीजिए, काफ़ी अच्छा है। अगर आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो आपको गैस गीजर ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसमें इंस्टेंट पानी जो देता है ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है हमारे लिए। तो फ्रेंड्स गैस गीजर के बारे में मेरा जो रिव्यू है काफ़ी अच्छा है, अगर आपको भी अच्छा लगा तो आप भी यूज़ कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।